हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नील और आपका स्वागत है मेरे गेमिंग चैनल पे। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो है रेत के एयरलूम के बारे में बताया था। आज बारी है लाइफलाइन के एयरलूम की, तो आज हम बात करेंगे लाइफलाइन की एयरलूम के बारे में। उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके एनिमेशन क्या क्या है, वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात होता है, ये लाइफलाइन के जो एयरलूम का नाम है उसका नाम है शॉक स्टिक्स। तो बेसिकली आपके पास दो ड्रम स्टिक हैं जो कि करंट, जिसमें करंट है और स्पार्क होता है, और आप इससे किसी को हिट करते हैं तो उसको शॉक लगता है। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड शॉक स्टिक। तो सबसे पहले मैं इसका अंधेरे में जो आपका है इक्विप एनिमेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं पीछे घूम रहा हूँ और आप देख सकते हैं मैं इक्विप करूँगा तो कुछ इस तरह से इक्विप होता है, और आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे जो है आपके बिजली दौड़ रही है। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं, दोनों स्टिक्स के ऊपर जो है टॉप पोर्शन पर आपको बिजली देखने को मिलेगा। अगर मैं किसी को स्पैम करता हूँ तो उसको शॉक लगेगा। अब ये तो हो गया लाइफलाइन का ये वाला ये। और उसके बाद अगर आप इसका लाइफलाइन के एयरलूम का एक दो फंडा है कि अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो उसका इंस्पेक्ट कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसका एक ही इंस्पेक्ट है और वो पूरा इंस्पेक्ट पूरा बहुत लंबा एनिमेशन है, बहुत कुछ होता है। फिर लास्ट में स्पैम करता है एंड देन ड्रम बजा के खत्म, विक्ट्री। तो ये लाइफलाइन का एनिमेशन मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, सन के अगेंस्ट में दिखाता हूँ। सन की तरफ दिखा, सन के अगेंस्ट में दिखा देता हूँ। अब एक बार मैं आपको अंधेरे में भी दिखा देता हूँ कैसा लगता है। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको अंधेरे में, जब ये घुमाता है कैसा लगता है। तो लाइफलाइन का एलुम मेरा सेकंड एलुम था। मैं लाइफलाइन मेन बहुत दिनों तक था, बहुत ज़्यादा डैमेज शायद मैंने लाइफलाइन से ही दिया हुआ है। तो इसके एयरलूम का इंस्पेक्ट एनिमेशन मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको स्लाइड एनिमेशन दिखाता हूँ। स्लाइड ही जब करता है तो ऐसे क्रॉस कर लेता है अपने एयरलूम को। ठीक है, और इसके बाद मैं दो और दिखाता हूँ इक्विप। इक्विप एनिमेशन इसका एक ही है, या फर्स्ट टाइम इक्विप में वो पहले घुमाता है, बट बाकी के इक्विप एनिमेशन इसमें एक ही है, और कोई एनिमेशन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्राउच करते ही क्रॉस कर लेता है। ठीक है, और अगर आप इसका स्पैम एनिमेशन की बात करूँ, जो स्पिनिंग एनिमेशन है, कुछ इस तरह से है। अब ज़्यादा स्पैम करेंगे तो हिलाता है, ऐसे ऐसे लगता है साइड में घुमा रहा है, और स्लोली स्पैम करेंगे तो एक फुल रोटेशन आपको देखने को मिलेगा इसमें। लाइफलाइन के एयरलूम का एक यूनिक फीचर जो मैं आपको बता देता हूँ, लाइफलाइन के एयरलूम का एक यूनिक फीचर है कि अगर आप क्राउच करके सॉरी स्लाइड करते हुए जा रहे हैं और तब आप स्पैम करते हैं, लाइक मैं स्पैम करके दिखाता हूँ, स्लाइड करते वक्त स्पैम करते हैं तो इस तरह से कैंची की तरह से सीजरिंग करता है अपने एयरलूम से। तो बहुत कम एयरलूम है जो स्लाइडिंग के टाइम पे कोई आपको एनिमेशन देता है, लाइफ लाइन देता है। तो डेफिनेटली ये मेरे को इसीलिए बहुत बढ़िया लगता है, जब मैं स्लाइड करते जाता हूँ और स्पैम करता हूँ तो इस तरह से सीधर इफेक्ट देता है अपने एयरलूम से, और कोई शायद नहीं देता होगा अपने एयरलूम में इस जितने भी एयरलूम से स्लाइड करते टाइम पे। शायद रियली इतना डिटेल इफेक्ट आपको स्पैम का कोई एयरलूम देता होगा, मेरे को आइडिया नहीं है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन व्यू। अब मैं आपको थर्ड पर्सन में ले जाके दिखाता हूँ। ओ सॉरी, पहले मैं आपको एनिमी मार के दिखाता हूँ। पहले ये इसका नॉर्मल एक ही है कि राइट हैंड साइड से मारेगा और कुछ नहीं है, बट स्लाइड करके जाएंगे तो ऐसे मारता है, दोनों एक साथ मारता है। स्लाइड करके जाएंगे तो दोनों ऐसे क्रॉस मारता है, तो ये स्लाइड का है। और दूसरा, अगर आप जंप करेंगे तो दोनों टांगों के बीच से मारता है, सीधा ऊपर से सीधा जंप अगर करेंगे तो, अगर मैं इस पर जंप करके मारूंगा तो इस पर सीधा ऐसे मारेगा, मिस हो जा रहा है सॉरी। इसको थर्ड पर्सन में देखते हैं तब आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। मैं इसको लेके जाता हूँ थर्ड पर्सन में। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं थर्ड पर्सन में। आप देख सकते हैं लाइफलाइन की ये स्किन जो है, इसका लेजेंडरी लाइफलाइन एडिशन स्किन था। तो ये आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन में लाइफलाइन येलो नहीं, कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, अगर हम इस टाइम पे इंस्पेक्ट करेंगे तो फर्स्ट पर्सन में चला जाएगा। ठीक है, और स्पैम का कुछ नहीं है इसमें। स्लाइड भागते हुए अगर स्पैम भी करता हूँ तो कुछ नहीं है आपको देखने को मिलेगा इसमें, भागता है इस तरह से। बेसिकली थर्ड पर्सन में जो आपके एनिमीज और आपके टीममेट्स आपको जिस तरह से देखेंगे, ये वही मैं आपको दिखा रहा हूँ।
सो इस तरह से भागता है, लाइफलाइन स्लाइड करते टाइम पे इस तरह से स्लाइड करता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन से बिल्कुल उल्टा दिखाता है थर्ड पर्सन में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आप किसी को हिट करते हैं तो कुछ इस तरह से हिट करेंगे वो, इस तरह से। नाउ जैसे कि मैंने कहा था, जब आप क्राउच कर रहे किसी को हिट करेंगे तो क्रॉस कैंची चलाता है इस तरह से। तरह से मैं बैठूंगा और मारूंगा, तो इस तरह से मारता है। तो अलग अलग टाइम पे, कि अगर मैं क्राउच करके मारा, मैंने आपको दिखाया, मैं आपको जंप करके इसको टांगों के बीच से मारता है इस तरह से, दोनों लेग्स के बीच से वो हिट करता है एनिमी को। तो डेफिनेटली मज़ेदार है, देखने में भी मज़ा आता है। और एनिमी जो आप, जब आप एनिमी को इस तरह से हिट करेंगे तो एनिमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कहाँ मारना है गोली, ठीक है। तो लाइफलाइन का एयरलूम जो है, लाइफलाइन की तरह ही क्वर्की है, मुझे बहुत पसंद आता है लाइफलाइन के एयरलूम। और मैं क्राउच कर दिखाने का ट्राई करूँगा आपको, ये क्राउच करके ऐसे मार रहा है और खड़े होकर ऐसे मार रहा है, स्लाइड करके ऐसे मार रहा है और फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, मैं पीछे के साइड से ट्राई करूँगा इसका। ये देखिए इसके मतलब हिटिंग एनिमेशन थोड़े मतलब रैंडम से कंपेयर टू रेत। तो और ये जहाँ भी जिसको मारेंगे उसको शॉक लगता है, तो डेफिनेटली मज़ेदार लगता है देखने में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा लाइफलाइन के एयरलूम के बारे में। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको दूसरे जो मेरे तीन और एयरलूम हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप उन वीडियोज़ को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जो है उस पर क्लिक कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।